दोनों हाथों से हमें मुट्ठी बांध लेनी है। दोनों हाथों को क्लॉकवाइज सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर मोड़ना है। शुरुआत में हमें 10-10 राउंड करने हैं। सेकंड, दोनों हाथों को टाइट खोलना है और बंद करना है। पूरी जो ताकत है वो हमारी उंगलियों में हमें महसूस होनी चाहिए जब हम हाथों को बंद करते हैं। थर्ड, दोनों हाथों को सांस लेते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर लेके आएंगे। जब आगे लेके आएंगे हम हाथ, मिलाते हुए हमें पीछे की ओर लेके जाना है। इसे भी हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करना है। 10 राउंड क्लॉक और 10 एंटी क्लॉक हमें ये करने हैं। लगातार हमें डेली इसका अभ्यास करना है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस की दिक्कत है उनके लिए एक बेहतरीन योगा अभ्यास है। दोनों हाथों को लेफ्ट साइड एंड राइट साइड लेके जाना है, खींचना है दोनों हाथों को। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, उनको भी ये व्यायाम करना चाहिए। भुजंगासन, पेट के बल इसमें लेटना है हमें। दोनों हाथों को कंधे के पास लेके आएंगे, सांस लेते हुए हमें ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए हमें वापस जमीन की ओर आना है। हमारे पंजे फ्लैट होंगे, हाथ सीधे, गर्दन पीछे की ओर, वापस आराम की अवस्था में। दोनों हाथों को पीछे से लॉक कर लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, कंधे से ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहेंगे, वापस सांस छोड़ते हुए वापस आरामदायक अवस्था में आ जाएंगे। इसे हम 2-3 राउंड करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ते हुए सांस लेते हुए हम ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचेंगे, मेंटेन थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए वापस, थोड़ी देर आराम की अवस्था में। मकरासन, दोनों हाथों को गालों पे रखते हुए कोहनियाँ सीधी, दोनों पैरों को आगे पीछे चलाते हुए थोड़ी देर इसी अवस्था में हमें बने रहना है। ये सारे आसन सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस, एक शारीरिक बीमारी है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। उष्ठासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड पीछे ले जाएंगे, फिर राइट हैंड पीछे की ओर लेके जाएंगे, थोड़ी देर रुके रहेंगे, वापस शशांक आसन में आते हुए रिलैक्स करेंगे।